अब कन्हैया मैया ते बोले मैया अब तो गैया चराबो प्रारंभ करें। तो मैया ने मुहूर्त निकलवाया और कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार के दिन भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया, जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं। इसलिए गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। बोल गोपाल भगवान की। भगवान गौचारण प्रारंभ कर दिए गोपाल बन के। एक दिन ताल वन में प्रविष्ट हो गए, जहां पर धेनुकासुर गधा बन के घूम रहा था। परंतु उस बगीचे के ताल वन के फल खूब रसीले भरे पड़े थे, पर उसके डर के मारे कोई घुस नहीं सकता। ग्वाला मिल करके बोले दाऊ दादा, कन्हैया के भुजा के चमत्कार हमने बहुत देखे, पर दाऊ दादा ब्रो मत मानियो, तुम्हारी भुजाएं तो बड़ी लंबी लंबी हैं, पर काऊ मतलब की ना है। आज तक तुमने चींटी तक ना मारी होगी। दाऊ जी बोले इतकू आ मैं दिखाऊं अपनी भुजा को चमत्कार तो को। ग्वाला बोले हमें मत दिखाओ दादा, यदि भुजा में बल है तो या बगीचा के फल तोड़ के दिखाए दो, मान जाएंगे। ये बात है अभी ले। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरहण, हितो विदुरे सुमहत बनम तालाले संकुलम। दाऊ जी ब्रजवासियों के कहने पर घुस गए, फलों से लदे वृक्ष को हिला दिए, हजारों फल टपके गिर गए। धेनुकासुर कुपित हुआ, गधा बन के दौड़ा। दाऊ जी में दुलत्ती घुमा के मारी, दाऊ जी ने दोनों पिछले पैर पकड़ लिए। सतम गृहीत्वा प्रबदोर भ्रामित्वैक पाणिना, दोनों पिछले पैर पकड़ के अधपर आकाश में घुमा करके जो वृक्ष में मारा, जो गोविंदायनम, वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी गोविंदायनम नमः। बोल दाऊ दादा की। ब्रजवासियों ने जय जयकार करी, चकाचक फल तोड़े और दाऊ जी की कीर्ति का वर्णन करते ग्वाला घर आए। घर में आके मैया ने जब सबको बैठा के भोजन पवाया तो कन्हैया बोले मैया री आज तो मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दियो, अरे बेटा कहा कर दियो। अरे मैया तुम बस पूछे ही मत, अरे लाला मोई बता तो सही। तो सुन मैया, मेरे दाऊ दादा ने आज एक गधा मार दियो। मैया को हंसी आ गई, चोरे बलराम तू गधा मार तो फिरे। अब तो दाऊ जी की बड़ी शकल उतर गई, ताने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। देख मैया तू समझा ले या कन्हैया को, मैं या को बड़ो भैया हूं, पर जब देखो तब मेरो मजाक उड़ावे। आज के बाद या की पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग, कल से मैं या के संग ना जा सकूं। मैया मैया बोली बेटा कल तू काऊ के संग मत जाइयो, मेरे संग रहियो, कल तेरो जन्मदिन है, भूल गयो का। अच्छा ठीक है मैया। दाऊ जी कभी कन्हैया का साथ छोड़ने वाले नहीं थे, पर भगवान चाहते कि एक दिन मेरे साथ न जाएं तो मैं काली देह में चला जाऊं और ये मुझे जाने नहीं देंगे। इसलिए ऐसी भूमिका बनाई कि दूसरे दिन दाऊ दादा नहीं गए, और यही चाहते थे भगवान, इसलिए पहुंच गए काली देह दूसरे दिन क्रीड़ा करते हुए। क्योंकि भगवान को मारना है काली नांग और दाऊ भैया उनके शेष नांग, तो अपनी बिरादरी का कहीं पक्ष न ले बैठे, इसलिए उनको घर में ही छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा ही ना विभो तस्या विशुद्धि मन विक्षन सर्पम तमुदवाशयत। कालिंदी कृष्णा में कालीय कृष्ण को मार भगाने के लिए कृष्ण कन्हैया पहुंच गए, तीन कृष्ण हो गए। बिलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। तो भगवान जब पहुंचे कालिंदी तट पर क्रीड़ा कर रहे थे। कंदु की क्रीड़ा का प्रसंग भागवत में तो नहीं है, भागवत के अनुसार कालिंदी का विषाक्त जल जो काली देह से प्रवाहित हो रहा था उसको गायों ने पी लिया, उससे गाय एकदम छटपटाने लगी विष के प्रभाव से। भगवान ने तुरंत गायों को विष से मुक्त किया अपनी अमृत दृष्टि से, और काली को दंड देने के लिए दौड़ के कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जइयो, कन्हैया हमने सुनो है कि काली देह में गिरवे बारो, आज तक कोई बचो ना है। कन्हैया बोले तुम कोई मत घबड़ियो, मैंने जाके देखे तो आऊं, या मैं कहां है वो काली नाम।
ब्रजवासी तो परिहासी समझते रहे, पर इतने में तो कन्हैया सचमुच कून गए। जैसी कूदते कन्हैया को देखा, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में, चीखते चिल्लाते भगदड़ मच गई चारों तरफ। मैया को अपशकुन होने लगे उधर घर में, मैया भी अनिष्ट की आशंका करने लगी। और जैसी ब्रजवासियों से समाचार मिला कि काली देह में कन्हैया गिर पड़े, तो सारे ब्रजवासी रोते चिल्लाते चीखते पुकारते भागने लगे काली देह की ओर। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जग मुर्गो कुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल विकल ब्रजवासियों को देखकर दाऊ दादा समझ गए और तुरंत अनेक प्रकार से नंद बाबा और मैया को दाऊ महाराज समझाने लगे। संभाल रहे हैं दाऊ दादा सभी को। इधर काली देह में जब कन्हैया कूदे तो नाग पत्नियों ने प्रभु की झांकी का दर्शन किया। सखी कितने प्यारे हैं, कितना सुंदर है। प्रकट होके कहा, भैया तुम कैसे गिर पड़े, भला चाहो तो जल्दी भाग जाओ, अभी हमारे स्वामी जी सो रहे हैं, यदि जाग गए तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। भगवान बोले, देवी हम तो उनसे ही मिलवे आए हैं, कहां है वो। बातों बातों में काली नाग जाग गया। 101 फन से जो फुसकार भरी, हलचल पूरे देह में मची। अब तो ब्रजवासी और जोर से चिल्लाने लगे, लगता है काली नाग जग गया, देखो पानी में कितनी खलबली मची है। ब्रजवासियों को जब व्याकुल देखा तो भगवान को लगा देर करना ठीक नहीं होगा। इधर काली नांग ने युद्ध करते एक छलांग मारी और भगवान के संपूर्ण शरीर में लिपट गया। पर भगवान ने थोड़ी देर में अपने शरीर को बढ़ाया और जहां उसके बंधन में शैथिल्य आया, एक छलांग मार के तत्काल भगवान उसके फन पर आरूढ़ हो गए। 101 फन थे उसके, एक फन पर खड़े हैं तो दूसरे फन से फुसकार भर के काटने लगता है। तब तो भगवान ने ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वर्गस्थ देवताओं ने देखा कि वाह, रस्सियों पर कला दिखाने वाले नट बहुत देखे, परंतु सांप के फन पर नचने वाला ये नटवर पहली बार देखा है। धुंधवियां बज रही हैं, गंधर्वों का गायन हो रहा है, देवलोक के दिव्य स्वर संगीत के साथ भगवान के चरणारविंद ताता थैया कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, भम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सन का दिक नन 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, प्रभु की वाणी किंग किंग न हूँ न जानी, चन 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 चरण भरत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। 101 फन भगवान ने नृत्य करते करते रक्त रंजित कर दिए। नाग पत्नियों ने देखा, हे भगवान, जिसको छोटा बच्चा समझ रही थी आके तो पेट में डाढ़ी निकल पड़ी, दो चार तगड़े ठुमके और मार दिए तो हमारे स्वामी जी की तो गारंटी खत्म। तो तुरंत हाथ जोड़ करके नाग पत्नियां भगवान की वंदना करने लगी। न्यायो ही दंड कृतकिल विशेषमिन तबा बतार ग्रहाय रिपो सुतानाम पितुल्य दृष्टे दत्से दमं फलमेवानुसंसं। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके बिल्कुल न्याय,
क्योंकि आपको दंड देने का अधिकार है, आप न्यायाधीश हो। पर इतना हमें मालूम है कि आपके क्रोध में भी कितनी कृपा छुपी रहती है। भगवान बोले तुम्हें कौन सी कृपा दिखाई पड़ रही है जरा बताओ। बोले प्रभु आपके श्री चरण कमलों की बड़ी महिमा है। भोले बाबा दिन रात इन चरणों का ध्यान करते हैं, फिर भी आपने भोले बाबा को चरण कभी नहीं दिए, उनके सिर पर रखने को चरणों तक दे दिया। राजा बलि ने त्रैलोक्य की संपदा जब आपको बटुक वामन रूप में दान करी, तब आपने एक चरण बलि के मस्तिष्क पर धर दिया। पर बड़भागी हमारे स्वामी जी हैं, जिनको ना दान देना पड़ा, ना ध्यान करना पड़ा, ना कहीं आना पड़ा, ना जाना पड़ा, आप घर बैठी चले आए और एक चरण नहीं दोनों चरणों को जबरदस्ती हमारे मालिक के माथे पर स्थापित कर दिया। बोलो आपकी कृपा नहीं तो क्या है। जय चरणन तेन कस सुर सरी, शंकर जटा जटा संकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारण आई भजन राम चरण सुखदा। आपके चरण कमलों में बड़ा चमत्कार है, प्रभु संतों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने खूब गाया है, इसलिए आपके चरणारविंद की अपूर्व महिमा है। और ऐसे वह दिव्य चरण कमल आपने अकारण ही कृपा करके, करुणा करके हमारे मालिक को प्रदान कर दिए, कितनी बड़ी अनुपम कृपा है। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह देवी हो तुम्हारा भाव तो बड़ा सुंदर है, बोलो क्या चाहती हो। पते प्राण प्रदीयता, कुछ नहीं चाहिए महाराज, केवल पतदेव के प्राण दे दो वापिस, नहीं तो चले जाएंगे, अब कृपा कर दो इन पर। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो उसको माफ करते हैं। फन पर नृत्य करते माधव जैसी फन से नीचे उतरने लगे कि काली नाग फुसकार भर के तन गया। भगवान सावधान हो गए, देवी यो तो हमको अकड़ दिखा रहा है, अभी भी अकल ठिकाने नहीं है इसकी। नागपत्नियों ने इशारा किया काली नाग को, फटाफट माता नीचे कर दो, नहीं दो ठुमके में चले जाओगे। काली नाग बोला कौन अपराध किया है जो इनसे माफी मांगू मैं, मेरा अपराध तो बताओ तब तुम क्षमा मांगू सिर झुकाऊ। भगवान बोले तूने विष भवन करके ब्रज का वातावरण बिगाड़ दिया, पूरी यमुना को विषाक्त विषैला कर दिया, मूर्ख ये तेरा अपराध नहीं तो क्या है। पतंतु परेगा खगा, ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक नीचे टपक के मर जाते हैं, इतना विषैला तूने जल कर दिया यमुना का। कालीनाग बोला तो थोड़ी अब मेरी भी सुन लो सरकार, क्या कहना चाहो। अरे महाराज ने सुनो तो सही, कसाब जैसे आतंकवादियों को भी सरकार मौका देती है अपनी सफाई देने का, तो मैंने अपराध किया है तो क्यों किया, कैसे किया, वो भी तो सुनो। क्या क्या कहना चाहते हो। बोले बस ये पूछना चाहता हूँ ये संसार को बनाता कौन है। भगवान बोले हम, आपने ही बनाया। हाँ तो सर्प किसने बनाए। भगवान बोले सर्प को बनाने कोई दूसरा थोड़ी बुलाया हमने, सर्प भी हमने ही बनाए, सभी आपने बनाए। बोले हाँ तो सर्पों के मुख में ये जहर किसने डाला। भगवान बोले वो भी हमने ही दिया है। तो सर्पों को जन्मजात महाक्रोधी स्वभाव किसने दिया। भगवान बोले वो भी हमने ही दिया है। बोले बस हो गया फैसला तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सर्व शरीर आपका दिया हुआ है, मुख में जहर आपका दिया हुआ है, क्रोधी स्वभाव आपका दिया हुआ है, तो जो आपका दिया हुआ है वही तो हम आपको दे रहे हैं। आपने हमको दिया विष, कोई बात नहीं, हमने स्वीकार किया। अब जब वो आपकी चीज हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण, हम कैसे माने कि हमारा खतरा टल गया। भगवान बोले भाई हमारी मोहर लग गई तेरे माथे पर। पहले बेचारा डरता हुआ एक सज्जन गांव में परेशान था, परंतु जब डायरेक्ट उसकी पुलिस में भर्ती हो गई, वर्दी मिल गई, सीधा दरोगा बन गया, फिर तो अब तो रुतबा झाड़ता हुआ जा रहा है, अब उसको किसी का डर नहीं लगता। बोलो राधे राधे।
परंतु पता कैसे चलेगा कि तुम विभाग में पहुंच गए? बोले वर्दी तो दिखना चाहिए, बिना वर्दी के कैसे पता चलेगा कि आप कौन है? तो भगवान कहते हैं कि अब तक तू फालतू था, अब पालतू हो गया, और पालतू होने की मोहर मैंने तेरे माथे पर लगा दी अपने चरण कमलों से, तू मेरा बन गया। तो जब मेरा बन गया, मेरी मोहर लग गई, तो अब तुझे डरने की क्या आवश्यकता है? इसलिए निर्भीक होकर के तुम जाओ। तुरंत भगवान ने काली नाग को अनुग्रहित करके विदा किया। जैसे ही फन पर खड़े कन्हैया को देखा, ब्रजवासी चिल्लाने लगे, मैया चीखने लगी, कन्हैया बेटा जल्दी आ जा, नहीं काट ले गो। भगवान बोले मैया चिंता मत कर, मेरो चेला बन गयो, अब हाल ही दीक्षा दे। सब हक्के बक्के रह गए। दाऊ दादा ने दौड़ के कन्हैया को आश्लिष्ट किया। सभी ब्रजवासी गोविंद से मिलके ऐसा अनुभव किए जैसे मृत देह में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। बोल काली मर्दन भगवान की जय। रात्रि में सभी ने विश्राम किया। अर्धरात्रि पर अग्नि लग गई, दाबाग्नि में ब्रजवासी फंस गए। भगवान ने सभी के नेत्र बंद करा के संपूर्ण दाबाग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी।